अभी हम बिरोल में हैं और आज अंतिम दिन कह सकते हैं कि पैक्स अध्यक्ष के नामांकन का आज अंतिम तिथि है और अंतिम चरण में भी आज अंतिम दिन आज हम बिरोल में हैं और हमारे साथ पर्री पंचायत के इस वक्त पैक्स अध्यक्ष अभी वर्तमान में भी है और एक बार फिर पुनः नामांकन का पर्चा दाखिल कर वापस आए हैं। उनके तमाम जितने भी समर्थक हैं वो यहाँ मौजूद हैं और भारी संख्या में जैसे बाहर निकले हैं और फूल मालाओं से कहीं न कहीं पूरा भर दिया गया है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी आपका भी स्वागत है। आज आप नामांकन करके बाहर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने तमाम मतदाताओं को? जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मतदाता हमारे साथ आए हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व भी हमको जो है सो चुनावी लोग जिताए हुए हैं, फिर जिताएंगे हमको, यही आशा जो है सो करते हैं मतदाता। थोड़ा चलते चलते संजय जी, तो रास्ता जाम हो रहा है। और देखिए एक बात और हम आपको बता दें कि 5 साल जो काम किए हैं, क्योंकि पिछले बार वही थे तो स्वाभाविक है जिस पद पर हम बरकरार हैं और एक बार फिर नामांकन कराकर बाहर आए हैं वापस, तो जितने भी इनके समर्थक हैं, एक बड़ा अभी आगे और कुछ समर्थक खड़े हैं, जैसा कि रास्ता छोटा है यहाँ पर, तो भीड़ के कारण यहाँ लोग साइड में खड़े हो गए हैं। अध्यक्ष जी क्या लग रहा है इस बार, क्योंकि आप 5 साल जो किए हैं काम किए हैं, जो किसान भाइयों के लिए जो कुछ सहकारिता विभाग से किए, कहीं ना कहीं उसका भी फल मिलने वाला है? निश्चित रूप से जो है सो हम 5 साल रहे हैं और 5 साल काम किए हैं जी, किसान के हित की जो भी बात है वो हमने किए हैं। हमारे पैक्स में ट्रैक्टर जो है सो सरकार द्वारा अनुदान से मिला हुआ है। आपकी पंचायत में मिला था? हमारे पंचायत में हमारे रीजन में मिला हुआ है। अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ गेहूँ काटने वाला रिपर भी है, थ्रेसर भी है, तो जो भी है सारा सुविधा हम किसान को अपने स्तर से कर रहे हैं। एक बात जरूर है जो हमारे दरभंगा जिला में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। नहीं है बिल्कुल, बिहार कोऑपरेटिव ने लगातार बिरोल में होने की मांग भी की है। हाँ, और हम लोग जितने भी सीनियर जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, सांसद साहब हैं, हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं, सबको जो है सो लिखित में और डायरेक्ट मौखिक रूप से उनसे मिल करके सारा बात रखे हैं जो भाई यहाँ पर में जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यदि हो जाता है तो एकदम किसानों के लिए बहुत जो है सो आसान हो जाएगा। और कृषि विभाग के द्वारा जो भी चीज़ है उसमें भी हम लोग जो है सोती करते हैं, अभी भी फसल सहायता के लिए जो है सो हो रहा है, तो उसमें हम लोग किसान के साथ मिले हुए हैं और किसान के जो है भरसक प्रयास करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उनको मिले। एक बार जोरदार ताली दे दीजिए अध्यक्ष जी के लिए। जैसा कि आपने कहा कि सेंट्रल का बैंक जो है, जिस बैंक को लेकर आप लोगों ने लगातार जिला में आंदोलन भी किए थे, जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं हम लोग लगातार उस पर खबर बनाए भी थे, क्या आप इस बार जीत कर आए हैं, क्या उसको लेकर के फिर कुछ आगे क्या कोई रणनीति होने वाला है? रणनीति हमारे माननीय अमित शाह जी सहकारिता मंत्री हैं और एकदम आश्वासन दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी दरभंगा जिला में भी जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक खोला जाएगा और पूरे जिला में जो है सो पैक्स को कंप्यूटरकृत किया जाएगा। अच्छा। और सारा सिस्टम जो है सो लगे हुए हैं, तब आगे मतलब आप आगे जो भी सहकारिता विभाग में आएगा सभी किसान भाइयों के लिए मुहैया कराया जाएगा, कहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल निश्चित रूप से क्या नाम बताया सर, नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम मनोज कुमार ठाकुर हुआ। मनोज कुमार ठाकुर जी, मनोज अभी वर्तमान में भी आप पैक्स अध्यक्ष जी, वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष। एक बार फिर नामांकन करा के बाहर निकले। जी जी जी, आपके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट दिख रहा है। जी, बहुत ये पता लग रहा है कि एक बार फिर कहीं ना कहीं जीत के लिए अग्रसर है और यहाँ जितने भी लोग हैं सब मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, सभी मतलब सदस्य हैं यहाँ पर? जी सब सदस्य, जितने भी आए हुए हैं सब सदस्य। मतलब आपके समय में सदस्यता जो बढ़ा है या कुछ उसमें? नहीं, हम सदस्यता हमारे यहाँ पहले से जो है 2500 के लगभग 2483 वोटर जो है सो पहले से है। अच्छा। और वही वोट हमको पिछले बार भी दिए थे और वही लोग इस बार भी हमको वोट करेंगे। इस बार भी कर रहे हैं, यानी कहीं कोई और दूसरा परंतु नहीं है, हर स्थिति में हम चुनाव जीत रहे हैं और बहुत वोट से जीते हैं, अपार वोटों से। और देखिए मनोज ठाकुर जी जैसे नामांकन कराए हैं, आज अंतिम दिन आए नामांकन कराने के लिए और कहीं ना कहीं कह सकते हैं तमाम जितने भी समर्थक, हम कुछ समर्थकों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आगे आ जाइए अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो। हम समर्थकों से बातचीत करें, मनोज जी आज नामांकन कराकर बाहर आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? सब खुशी है? पूरा खुशी है, मतलब सब किसान भाइयों के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हैं। हाँ हाँ, एकदम बिल्कुल। क्या उम्मीद कर सकते हैं चाचा इनकी अध्यक्षता के समय में, समय से शुरू से जब से हुए हैं? अच्छा। किसानों के लिए हित किए हैं, समय पर धान हो या गेहूँ हो। अच्छा। खरीद किए हैं, समय पर भुगतान किए हैं। हाँ। और पिछले बार अपने रिकॉर्ड तोड़ के हम लोग विजय श्री की ओर जा रहे हैं। अच्छा, पिछले बार से? हाँ, अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे और उससे ज्यादा वोट से जीतेंगे। अच्छा, देखिए दावा है तमाम जितने भी सदस्य उनका दावा है जी कि पिछले बार का भी रिकॉर्ड इस बार टूटने जा रहा है। जी जी, तो कहीं ना कहीं काम किए से सफलता मिलेगा, कहीं उसमें कोई नहीं है। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगले खबर में फिर हम आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए मुझे भी इजाजत दीजिए। मनोज कुमार ठाकुर जी अभी नामांकन कराकर निकले हैं पर्री पंचायत से और बिरोल प्रखंड मुख्यालय पर आज अंतिम दिन पंचायत जो है पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव है उस चुनाव के अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कराकर आए हैं। तमाम समर्थकों के बीच मौजूद रहे और अपनी बातों को रखे हैं, क्योंकि लगातार जो काम किए हैं उसी काम के का जो श्रेय है, उस काम के जो बदले में मेहनत जो उन्होंने किए हैं उसका जो फल है वो कहीं ना कहीं इस बार फिर दिख रहा है। और कहीं ना कहीं जीत के लिए तमाम लोग एक बार फिर से ताली बजा दिए इनके लिए, मनोज जी के लिए। चलिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और सर जीत की अग्रिम बधाई।